बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उर्दू तहकीक को देखने वाले मोजिद नजर जमीतल इस्लाम के सबका सरबरा मुफ्ती महमूद रहा पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शरीक नहीं हैं तो उन्होंने एग्जैक्ट क्या फरमाया था किस मौके पर फरमाया था उसका पस मंज़र क्या था और क्यों ऐसा कहा था तो यही सब कुछ आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नजरें मोहतरम पाकिस्तान बनने के बाद भी बंग्लादेश मशरकी पाकिस्तान में गुरबत बहुत ज़्यादा थी और बंगालियों का ये कहना था या उनका ये मानना था कि जब से अंग्रेज़ बर ीर में आया है तो हम पर मुसलसल जुल्म हो रहा है अंग्रेज़ ने यहाँ पर कदम रखने के बाद ही ज़री पैदावार पर पाबंदी लगा ली थी उन्होंने कहा यहाँ वो कुछ उगाया जा सकता है जिसकी हमारी फैक्ट्रियों को ज़रूरत है जिसकी हमारी फैक्ट्रियों और हमें ज़रूरत नहीं सिर्फ तुम्हारे खाने के लिए ऐसा कुछ नहीं उग सकता तो पटसन और इस तरह बाकी चीज़ों की उन्होंने इजाज़त दी थी जहरी चीज़ें नहीं उग सकती थी जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग काहत की वजह से मारे गए थे तो पाकिस्तान बनने के बाद भी जब वहाँ पर खुशहाली ना आ सकी तो इस पे उन्होंने एक काम तो ये किया कि 1970 में जो इलेक्शन हुए तो पूरे बंगाल ने जाके मुजीब रहमान और उसकी पार्टी को वोट दे दिया और बहुत बड़ी मार्जिन से वो जीत गए और इस तरह से मगरबी मशरकी दोनों पर अब मुजीब रहमान की हुकूमत कायम होना थी तो उस वक्त में मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर यख्या खान ने पार्लिमेंट का अजलास बुलाना था और उसमें शेख मुजीब रहमान को पावर ट्रांसफ़र होनी थी और वो पूरे पाकिस्तान यानी मशरक़ी मगरबी दोनों पाकिस्तान के वज़ी अजम मनतब होने थे लेकिन उसमें तखीर की गई और दूसरी जानब शेख मुजीबरहमान की काल पर बंगाल या मशरकी पाकिस्तान में मुकम्मल निज़ाम को जाम कर दिया गया जगह जगह जलसे जुलूस हड़तालें और हंगामे फूट पड़े तो ऐसे वक्त में पार्लियामेंट की जो छोटी छोटी पार्टियाँ थीं उनको ये लगने लगा कि इस तरह तो पाकिस्तान टूट जाएगा तो उस मौके पे उन्होंने सबसे पहले एक मुतफ़ा इजलास बुलाया छोटी छोटी तमाम पार्टियों ने और उस इजलास में ये कोशिश की गई कि हम जाने यानी दोनों साइड्स पे जाके उनके साथ मुजात करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा वतन किसी सूरत टूटना नहीं चाहिए उसी की एक कड़ी के तौर पे एक इजलास एक वफद भेजा गया डाका में कि जाके शेख मजबूब रहमान के साथ मुजात करें इसमें मुफ्ती महमूद रहमत तो लाला ला तैय भी शामिल थे मुफ्ती महमूद ने वहाँ पर जाकर शेख मजीबुर रहमान को तारीखी अल्फाज कहे थे उन्होंने ये कहा था कि शेख साहब आप मुस्लिम लीगी हैं और हम कांग्रेसी कल जब आप पाकिस्तान बना रहे थे तो हमने मुहालफत की थी और हमने कहा था पाकिस्तान मत बनाएं इस तरह से मुसलमान तकसीम हो जाएंगे कुछ इंडिया के अंदर चले जाएंगे कुछ मुसलमान पाकिस्तान में आ जाएंगे और मुसलमान इस तरह तकसीम हो जाएंगे इनकी पावर तकसीम हो सकती है और ये उनके मफाद में शायद के ना हो आज जब आप पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अब आपको ये कह रहे हैं कि आप ऐसा ना कीजिए पाकिस्तान को मज़ीद आगे तकसीम करना ये किसी सूरत भी पाकिस्तान के ये मुसलमानों के हक में नहीं है और इससे मुसलमानों को नुकसान पहुँचेगा लेकिन फिर भी पाकिस्तान तकसीम हो गया मश्रकी पाकिस्तान बंग्लादेश बन गया मगरबी पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तान बन गया तो इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इल्जाम लगाया मुफ्ती महमूद और अपोजिशन पर कि आपने पाकिस्तान को तकसीम करवाया है तो इसके जवाब में उन्नीस सौ पचहत्तर में जाम नुरतलूम के अंदर एक जलसा मनकद किया गया था और उस जलसे के अंदर इसका जवाब देते हुए मुफ्ती महमूद रहमतल्लैन ने यह फरमाया था कि जब बरसर तकसीम हो रहा था तो हम तो उसकी तकसीम के भी कायल नहीं थे तो पाकिस्तान को मज़ीद तकसीम करने के हम क्यों कायल होंगे अगर पाकिस्तान को तकसीम करना गुना है तो फिर हम तो नपेले गुना में शामिल थे और ना ही अब के गाह में शामिल हैं। तो इसी बात को दोस्त यारों ने मरोड़ के यूँ बना लिया कि मुफ्ती साहब ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनह में शरीक नहीं हैं तो ये असल बात थी जो मैंने आप तक पहुँचा दी अगर आप ये जानना चाह रहे हैं किलमाए कराम ने पाकिस्तान बनने की महालफत की थी या हमायत की थी और महालफत किस की हमायत किस और क्यों महालफत क्यों हमायत तो यहाँ क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए